वेलकम दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स का तरफ से सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें सिविल इंजीनियर के लिए वेरियस डेजिग्नेशन में वैकेंसी आया है। तो आपका एक्सपीरियंस का बेसिस पे सिलेक्शन होगा, इधर कोई एग्जाम नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू होगा एंड देन सिलेक्शन होगा। रेगुलर पोस्ट है, ओके। सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस का बेसिस पे इधर सिलेक्शन होगा। तो हम लोग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन सा फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो चलिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में देखिए। ये हो गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर में आता है। ओके, तो इसमें देखिए आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द ऑफिसर्स पोस्ट। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है प्रोजेक्ट सुपरिंटेंडेंट, स्केल अप पे आपको इतना मिलेगा एंड आपका E8 में लिया जाएगा। ओके, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 3 इयर्स एंड एक्सटेंडेबल मैक्सिमम अनदर 2 इयर्स। ओके, एंड आपका CGM डेजिग्नेशन मिलेगा। इसमें देखिए आपको टोटल टेक्निकल पोस्ट है 2, अनडिजर्व के लिए 1 एंड OBC के लिए 1। 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग, 4 इयर्स का आपका डिग्री होना चाहिए। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरिन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड नावल आर्किटेक्चर। इसमें किसी में भी आपको BE/BTECH का डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते। एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है देखिए, 24 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 15 इयर्स इन सीनियर पोजिशन। ओके, एंड शिप डिजाइन, शिप रिपेयर एंड ओवरसींग द कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ नवल शिप्स एंड सबमरीन डिजर्वेबल। कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट और PSU और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन इमीडिएट लोअर ग्रेड, मीन्स आपको E7 में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का। ओके, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते, लेकिन आपको E7 में मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन देखिए प्रोजेक्ट सुपरिंटेंडेंट आपको E7 में लिया जाएगा, इसमें भी 1 पोस्ट है। इसमें क्या डिग्री मांगा गया है? BE/BTECH 4 इयर्स का आपको डिग्री होना चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैरिन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड नावल आर्किटेक्चर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 22 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 15 इयर्स इन सीनियर पोजिशन आइदर सिंगुलरली और कलेक्टिवली इन ओवरसींग नावल प्रोजेक्ट, एंड आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस AGM होना चाहिए E6 ग्रेड में। ओके, मिनिमम 2 इयर्स E6 ग्रेड। देन देखिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर DGM E5 ग्रेड में आपको लिया जाएगा। इसमें भी आपको 4 इयर्स BE/BTECH का डिग्री होना चाहिए सिविल, प्रोडक्शन, नावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरिन इंजीनियरिंग में, एंड 15 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आइदर सिंगुलरली और कलेक्टिवली इन शिप बिल्डिंग। ओके, तो इसमें आपको E4 में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। देन आपको सीनियर मैनेजर E4 में है, इसमें भी आपको BE/BTECH होना चाहिए इस सब ब्रांच में, मैकेनिकल, सिविल आर्किटेक्चर, नावल आर्किटेक्चर इसमें, एंड 11 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड इमीडिएट बिलो जो स्केल है उसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स का काम करना चाहिए, मींस E3 में 2 इयर्स का काम करना चाहिए। देन मैनेजर E3 में लिया जाएगा, टोटल 8 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड इसमें भी आपको DM और E2 ग्रेड में आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन मैनेजर E3, इसमें भी देखिए आपको BE/BTECH सिविल आर्किटेक्चर, नावल आर्किटेक्चर इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आउट ऑफ विच 2 इयर्स का एक्सपीरियंस E2 ग्रेड में आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, एंड ये सब जो है टेक्निकल पोस्ट है, सिविल इंजीनियर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है देखिए, फॉर पोस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एम्प्लॉयड एंगेजमेंट ऑफ द फिक्स्ड टर्म बेसिस 50% आपको मिलेगा, एंड फॉर अदर टेक्निकल पोस्ट मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स इन द पोस्ट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी 54 इयर्स फॉर CGM कैटेगरी के लिए, 52 इयर्स फॉर GM कैटेगरी के लिए, एंड 48 इयर्स फॉर GM मैनेजर, जनरल मैनेजर कैटेगरी के लिए, एंड 42 इयर्स फॉर मैनेजर कैटेगरी के लिए। ओके, देन रिजर्वेशन भी है। देन एप्लीकेशन प्रोसीड्योर कैसे अप्लाई करने, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन, करियर ऑप्शन में जाकर हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना होगा। देन सर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और PSU और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आर फर्दर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड एंड ऑटो जनरेटेड प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू प्रॉपर चैनल आपको भेजना होगा, एंड NOC आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में आप चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, एंड सिलेक्शन होने के बाद जब इंटरव्यू होगा तो आपको NOC चाहिए होगा।
देन सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ऑल पोस्ट विल बी थ्रू इंटरव्यू ओनली। एंड देन पे स्केल्स, देखिए आपको E8 के लिए इतना स्केल मिलेगा, पे स्केल मिलेगा, E5 E7 के लिए सब आपको सैलरी मिलेगा, तो रेगुलर पोस्ट है, सैलरी आपको तो अच्छा मिलेगा। देन फ्रॉम PSU और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आपको इमीडिएट लोअर ग्रेड पे स्केल इतना होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, द एप्लीकेंट्स वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर शुड इंडिकेट देयर सैलरी हेड वाइज, ओके, व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म 16। आपको फॉर्म 16 भी सबमिट करना होगा, ओके। एंड द एप्लीकेंट्स वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर शुड सबमिट देयर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको चाहिए ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, एंड रिलीविंग लेटर्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग एंड ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ओके। एंड अप्रोक्सीमेट CTC, आप CGM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 29.18 आपको CTC होना चाहिए पर एनम, एंड आप AGM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 26.26 लैक्स सैलरी आपको होना चाहिए। एंड देन आपको ये सब है, फिर DGM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20.42 लैक्स CTC होना चाहिए। देन आपको देखिए एप्लीकेशन फीस, द एप्लीकेशन फीस इज 590 रुपीज आपको चाहिए, पेमेंट गेटवे है उसमें आपको पेमेंट करना होगा। देन जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दिया है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। देन इसका देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 18 नवंबर, एंड रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी इन एप्लीकेशन फीस आपको 18 नवंबर लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, एक्सपीरियंस के हिसाब से एलिजिबल है। एंड आप गार्डन डे शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन साइन बाय द कैंडिडेट अलोंग विद द सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली इज 25 नवंबर 2024, एंड डेट ऑफ इंटरव्यू होगा विल बी अनाउंस लेटर। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया है ये भी हम लोग अभी देख लेते हैं, तो इसको लिए सबसे पहले आप गूगल में आइए, देन लिखिए गार्डन डे शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, करियर ऑप्शन में आइए, देखिए ये हो गया गार्डन डे शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का करियर का पेज, तो इसमें जाके सबसे पहला वाला जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ओके, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2024/9, तो इसको क्लिक कीजिए, ये हो गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, ओके। अप्लाई ऑनलाइन, इसमें आपको ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए तो इसमें क्लिक करना होगा, देखिए ये हो गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, इसमें अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक कीजिए, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, करके आपको अप्लाई करना होगा। सो थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।